अच्छा सर जी, आपको रिकॉल आ रहे हैं वहाँ पर जो पूछा गया आपको? कोई क्वेश्चन तो बहुत सारे थे, उनमें मेन पॉइंट ये करंट इसे ही पूछ लिए थे, जैसे G20 सम्मेलन है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, और आपका रूस यूक्रेन जो मुद्दा चल रहा है उससे संबंधित, और ये अभी जो पठान मूवी बायकॉट उससे संबंधित, बागेश्वर धाम वाला जो मैटर चल रहा है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए। सर लोग आए हैं, इनसे बात करेंगे, क्वेश्चन किस लेवल से पूछा गया UPSC में। तो सर पहली बात, आपका नाम क्या है? देव प्रताप सिंह नाम है मेरा। कहाँ से आया सर? मैं सर अलीगढ़ जनपद से बिलोंग करता हूँ। कोई दिक्कत आपको प्रॉब्लम? नहीं, मुझे वहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। बाहर मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ यार एकदम इंटरव्यू का क्या माहौल होगा, वहाँ कितना डरावना माहौल होगा, क्या लगेगा, क्या फील होगा, ऐसा मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। एक तरह से जैसे ऐसा लगा कि जैसे मैं अपने एक फ्रेंड सर्कल में नॉर्मली इंटरव्यू हुआ। कोई क्वेश्चन सर जी आपको रिकॉल आ रहे हैं वहाँ पर जो पूछा गया आपको? कोई क्वेश्चन तो बहुत सारे थे, उनमें मेन पॉइंट ये करंट इसे ही पूछ लिए थे, जैसे G20 सम्मेलन है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, और आपका रूस यूक्रेन जो मुद्दा चल रहा है उससे संबंधित, और ये अभी जो पठान मूवी बायकॉट उससे संबंधित, बागेश्वर धाम वाला जो मैटर चल रहा है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए। और बजट से क्वेश्चन आए थे? बजट से तो केवल एक ही पूछ लिया, ज़्यादा डीपली तो नहीं पूछा कि बजट ये जो है ना किस संविधान के किस अनुच्छेद में आता है। सर माध्यम क्या था आपका? माध्यम मेरा हिंदी था। हिंदी में क्या देना चाहते हैं वो, कैसे क्या अपना रिकॉल करके आए, पढ़ के आए? पढ़ने के लिए तो ये है कि तो निरंतरता, सजगता, जितना कुछ पढ़ा है, जैसे कोई बच्चा अगर मेंस भी लिख रहा है या PT दे रहा है तो उसके लिए ये है कि जो कुछ उसने पढ़ा है उसी को अच्छे से रिवाइज कर ले, उसमें से क्वेश्चन अगर कोई भी आए तो वो क्वेश्चन मिस ना हो, गलत ना हो। सर आपने कोचिंग कहीं से किया था? नहीं, मैंने कोचिंग नहीं किया है। दरअसल अलीगढ़ में क्या कहते हैं, इस कोचिंग की जो मुझे प्रेरणा यहाँ के आने की जो मेन प्रेरणा मुझे मिली है वो हमारे यहाँ अलीगढ़ में तहसील कोल में तत्कालीन SDM डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा, जो इस समय ADM महाराजगंज में है, उनसे मिली, और उनके द्वारा गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग चलाई गई थी, उनसे मिली। आज जो कुछ भी हो मैं उन्हीं के बदौलत यहाँ तक इंटरव्यू देने के लिए पहुँचा हूँ। सर तो कुछ हमला कि कौन से कुछ बुक ने आपने फॉलो किया मेंस प्री के लिए? मेंस PT के लिए तो मैंने ज़्यादातर पूरा अवलोकन है घटना चक्र के, उनको सारे अच्छे से कवर कर लिया, और एक दो मैगजीन वगैरह हैं करंट की, जैसे PD हुआ प्रतियोगिता दर्पण, या आपका कोई सिविल सर्विस क्रॉनिकल आती है उसकी, उसको बुक उसको देख लिया, वहीं से करंट मेरा होगा, PT हो गया, और मेंस के लिए मैंने जो ऑथेंटिक बुक होती हैं उनको अच्छे से किया, वहीं से हो गया। मॉक टेस्ट आपने कैसे किए थे, कहाँ से? मॉक टेस्ट तो हमारे यहाँ जो कोचिंग चल रहा है, हमारे यहाँ जो फ्री में सिविल सर्विस मार्गदर्शिका जी की जो कोचिंग चली है अलीगढ़ में, उसी से मॉक इंटरव्यू दिया था उसमें, और हाँ यहाँ इलाहाबाद में मैंने DIIS में दिया है, और बस वही से मेरा। अच्छा सर ये बताइए, जैसे अभी जो बच्चे मतलब जैसे कि हाँ तैयारी कर रहे हैं नॉर्मली पुलिस पुलिस की, वो चाहते हैं हम साथ में UP पुलिस का भी तैयारी करें, और जैसे कि वो और सिविल का भी तैयारी करें, क्या साथ में वनडे एग्जाम और सिविल का तैयारी कर सकते हैं? नहीं देखिए, अगर आपको अगर स्टेट PCS में या UPSC में जाना है तो आपको प्रॉपर इसके लिए समय देना होगा। एक नाव में दो तलवार तो नहीं चल सकते ना। अगर आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक वे चुनना होगा, एक रास्ता चुनना होगा कि मुझे वहाँ तक जाना है, और ऐसा ज़्यादा भी कठिन नहीं है कि नहीं हम उसको पार नहीं कर पाएंगे। अगर आप UP पुलिस की तैयारी कर रहे हो और यहाँ की कर रहे हो तो UP पुलिस, और इसमें ये अंतर रहेगा कि जो आपका GS का पोर्शन है वो कवर हो जाएगा, वरना देखिए PT के लिए तो सेकंड जो CSET पेपर है उसमें रीजनिंग मैथ वगैरह वो वहाँ से हो जाएगी, लेकिन अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं तो वो कर पाएंगे, वरना अगर प्रॉपर इसके लिए समय दे हुए तो हो जाएगा। सर जैसे कि कभी कभी जैसे बच्चे हैं वो क्या होते हैं कि डीमोटिवेट हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, या एग्जाम नहीं निकल पाता, या मेंस में प्री में इंटरव्यू में छड़ जाते हैं, तो क्या मतलब मोटिवेशन उनके अंदर क्या जागती है? आपके साथ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, मेरे साथ तो पहली बार हुआ था जी। जब मेरा फर्स्ट बार मैंने PT दिया था तो उस बार मेरा हो गया था लेकिन नहीं हो पाया था जी। तो उसके लिए ये है कि डिमोटिवेशन के लिए तो आपको देखिए खुद को देखना है, खुद की स्थिति देखनी है कि मुझे क्या करना है, खुद को चयन करें खुद को। कोई आप गाना ऐसी कि कोई मतलब कि मूवी कोई आप मोटिवेशनल के लिए फॉलो करते थे आप? नहीं स्पेशली मैंने कोई ज़्यादा मोटिवेशनल कोई मूवी वगैरह फॉलो नहीं की, बस मैं जो पहले के लोग हैं उनके मैंने इंटरव्यू देखे हैं, जैसे हमारे वो IPS जो सफीन हसन हैं, अंसार शेख सर हैं, और अभी बिजनौर से जो क्या कहते हैं CDO हुए हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जुनैद अहमद, उनके मैंने ऐसे इंटरव्यू देखे हैं तो उनसे मुझे स्वतः ही मोटिवेशनल मिलता गया। अच्छा जैसे कोई बच्चा है मतलब कि चालू करता है शुरू से, तो किस कोचिंग में ज्वाइन करें, कौन सी बुक फॉलो करें शुरू से लेकर के? नहीं देखिए स्टार्टिंग से मैंने कोचिंग नहीं रखता है, तो PT के लिए तो बस वही है, वही बुक फॉलो करते रहे, घटना चक्र के पूरा अवलोकन अच्छे से कर ले, और एक कोई करंट मैगजीन रेगुलर पढ़ते रहे उससे हो जाएगा, और मेंस के लिए तो
ये जो बुक हैं ऑथेंटिक बुक जो भी हैं जैसे ज्योग्राफी के आर्टी खुल्लर और माजिद हुसैन महेश कुमार वर्णवाल इनमें से कोई भी जो उनको अच्छी लगती हैं, और जैसे हिस्ट्री के लिए एस के पांडे की तीनों बुक एंशेंट मिडवेल और मॉडर्न, और जिस लोगों की भी ज्योग्राफी की बुक आती है उनको कर सकते हैं उनके साथ साथ। हॉबीज़ कोई क्वेश्चन पूछा गया आपके हॉबीज़ से? हॉबीज़ से तो ये पूछा गया कि आपकी क्या हॉबीज़ हैं, तो मैंने बताया कि जैसे क्रिकेट है, बैडमिंटन है और राइटिंग रीडिंग है, तो उससे तो नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिया एक दो के अभी क्या कहते हैं T20 का विजेता किस कौन सी टीम हुई मैं महिला में और पुरुष में, तो ये नॉर्मली क्वेश्चन और कुछ ज़्यादा। सर जैसे कि आप अभी जॉब भी कर रहे हैं तो आप कैसे अपने मतलब प्रिपरेशन को ऐसे मेंटेनेंस किया? देखिए जॉब के साथ साथ में दूसरी जॉब की तैयारी करना आज के समय में बहुत टिपिकल है, क्योंकि जहाँ मैं कार्यरत हूँ बेसिक एजुकेशन में, वहाँ एक तो पेपर वर्क भी ज़्यादा है प्लस में फिर बच्चों को भी देखना होता है, तो उसके साथ साथ में बहुत मुश्किल से टाइम मैनेज हो पाता है। शाम को जाना, घर पे आना, फिर 4-5 घंटा रात के 9-10 बजे सोना, फिर सुबह 6 बजे उठना, फिर 1 घंटे के लिए सरसर निकासी करंट वगैरह देखना, तो ऐसे करके मैनेज किया तब जाकर। इंटरव्यू हुआ, खुश हैं कि? हाँ, इस बार मेरा प्रयास पूरा है, इस बार 99% उम्मीद है, 1% अगर कोई इशू रहता है जैसे ऑप्शनल में या कोई मेंस का कोई पेपर उसमें नंबर कम होती है तभी नहीं ना, इस बार पूरा मुझे विश्वास है कि इस बार हो जाना चाहिए। बहुत बहुत सर धन्यवाद आपको कीमती समय देने के लिए, थैंक यू सर, ओके, ऑल द बेस्ट। आप कोई पोस्ट पे एक अच्छी जी, थैंक यू।